ओम क्रीम कालिकाय नमः। मेरा नाम है नीलम दुर्गा भवानी। आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आने वाले 3 महीनों में आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। आपको यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। जान लेते हैं क्या आपको ऑप्शंस यूनिवर्स दे रहा है। यहाँ पे दोनों में ही नंबर 6 आया है और हम एक अलग डाइस उठाएंगे और 1। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 6 और 1 में से कोई एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो देखते हैं जिन्होंने नंबर 6 सिलेक्ट किया है उनके लिए यूनिवर्स का क्या संदेश है। उसके बाद जानेंगे जिन्होंने नंबर 1 सिलेक्ट किया है अगले 3 महीने में क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, ये आज हम जानेंगे। सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जय महाकाली लिखिएगा। माता आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगी। जब भी आप ये वीडियो देखेंगे उसके अगले 3 महीने आपके कैसे रहने वाले हैं। रिवर्स में द जजमेंट कार्ड आया है। अगर कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें कुछ और डीले हो सकता है। कारण है कोई नेगेटिव एनर्जी और यहाँ पर जिस पर्सन को आप पसंद करते थे वही आपका यहाँ पर शत्रु बन गया है। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आने वाले हैं। आपकी रिलेशनशिप में कोई आपको छोड़कर जा सकता है, ऐसी यहाँ पर एनर्जीज हैं। और ऐसा भी लगता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो आप चाहते हैं वो यहाँ पे आपके हाथ से जाता हुआ दिख रहा है जिन्होंने नंबर 6 सिलेक्ट किया है। थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी ये जानते हैं आने वाले 3 महीने में। यहाँ पर हमें स्ट्रेंथ कार्ड मिला है। हेल्थ अच्छी रहेगी आपकी, कोई समस्या नहीं आएगी। आपके फाइनेंसेस जान लेते हैं कैसे रहेंगे। यहाँ पे अब हमें 4 ऑफ सॉर्ड्स मिला है। थोड़ा सा परेशानी रहेगी आपको फाइनेंसेस की, यदि हम बात करें थोड़ी समस्या रहेगी आपको, टेंशन रहेगी आपके फाइनेंसेस में, थोड़ा सा डाउनफॉल जा सकता है। और यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। ऐसा भी लगता है कि आपको अपने ही पैसों के लिए, अपने ही प्रॉपर्टी के लिए थोड़ा लड़ना पड़ सकता है, कोर्ट केस हो सकता है। तो यहाँ पर अपने हक के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी आपको अगले 3 महीने में, और उस लड़ाई में आपके अपने आप से रूप नाराज हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, आपको कोई ना कोई डिवाइन पावर हेल्प करेगी। यहाँ पर आप माता की मंत्र पोटली भी ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे इंडिकेशन है कि कोई ना कोई डिवाइन पावर आपकी मदद करेगी अगले 3 महीनों में, आपको समस्या से बाहर निकालेगी। अब यहाँ पर जानेंगे कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में और क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में मेजर। यहाँ पर हमें 10 ऑफ कप्स आया। आपके परिवार में चीज़ें अच्छी दिख रही हैं और कुछ मिस्टीरियस भी चल रहा है, तो कुछ अच्छा भी दिख रहा है और कुछ रहस्यमय भी चल रहा है। क्या है ये रहस्यमय जो हो रहा है आपके परिवार में? 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, देख लेते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स हमें मिला है, तो ऐसा लग रहा है कोई संदेश आएगा आपको। हो सकता है कोई सीक्रेट एनिमी है आपका जिसके बारे में आपको पता चले। हो सकता है कुछ सीक्रेटिव आपकी फैमिली में चल रहा है जो अगले 3 महीने में आपको पता चल ही जाएगा। यहाँ पे लवर्स कार्ड आया है और 6 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली में कोई है जो किसी को पसंद करता है, लेकिन आपके लिए तो लवर्स कार्ड रिवर्स में है। तो यहाँ पर हो सकता है जिसे आप पसंद करते हैं वो यहाँ पर आपको धोखा दे सकता है अगले 3 महीने में। वो किसी और पर्सन के साथ यहाँ पर दिख रहा है, कुछ मिस्टीरियस हो रहा है यहाँ पर। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली ये फाइनेंसेस से भी कनेक्टेड है और प्रॉपर्टी से भी कनेक्टेड है। इसी की वजह से आपको यह फाइनेंसेस नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आपका कोई अपना ही है जो आपके अगेंस्ट हो गया है। कुछ मिस्टीरियस है यहाँ पर, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस दिख रहे हैं। यहाँ पर हमें मिला है डेथ कार्ड। इसका मतलब है कि कोई नई शुरुआत चाहता है। हो सकता है कि कोई अब आपके साथ नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई और पर्सन उसकी लाइफ में आ चुका है। तो यहाँ पर एक चेंज दिख रहा है, किसी की इंटेंशंस यहाँ पर दिख रही हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है कि कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है, कोई ना कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है, कोई ना कोई पर्सन है जो काला जादू कर रहा है, तंत्र क्रिया कर रहा है, जिसके कारण जो लवर्स कार्ड आपके लिए होना चाहिए था अपराइट, वो आपके लिए तो रिवर्स है और जो कोई और पर्सन है वो यहाँ पे अपराइट में है। तो कोई आपकी लाइफ से जा रहा है और किसी और के साथ यहाँ पर आगे भविष्य में दिख रहा है। कुछ मिस्टीरियस चल रहा है और ये कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। आपका कोई मित्र हो सकता है जो पहले आपका मित्र था, लेकिन अगले 3 महीने में आपसे दूरियां बना सकता है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर आया है। ऐसा भी लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी है
जो आप चाहते हैं आपको मिल जाए, तो क्या ऐसा होगा अगले 3 महीनों में? हमें यहाँ पर मिला है किंग ऑफ कप्स, ऐसा लगता है कि जो भी अपॉर्चुनिटी है लास्ट मोमेंट पर किसी और को मिल जाएगी। मतलब ये कि आपको लगेगा कि ये तो आपको ही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी, ये जॉब, ये बिजनेस डील, ये आपको मिलनी चाहिए, पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहिए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जो मेन पर्सन होगा वो आपके साथ धोखा कर सकता है। 8 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पर षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो अगले 3 महीने में यहाँ पर रियली एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है जिसमें आपको टारगेट किया जा रहा है। आपके शत्रु जो हैं वो आपके आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग षड्यंत्र बना रहे हैं, चक्रव्यूह में फंस गए हैं, आप अपने ही धोखा देने वाले हैं। आपके फाइनेंसेस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम होने वाले हैं। यहाँ पर कोई है तीसरा पर्सन जो ब्लैक मैजिक भी कर रहा है। आपकी हेल्थ यहाँ पर ठीक दिख रही है, लेकिन फिर भी आपको एक्सीडेंट का यहाँ पर खतरा है। आपको ड्राइविंग ठीक से करनी होगी, शत्रु आपकी तरफ लगातार बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपका कोई अपना ही धोखा दे रहा है। अगले 3 महीनों में आपको बहुत ज़्यादा लोगों की असलियत पता चलने वाली है, यही संदेश है आपके लिए। और फाइनेंसेस में थोड़ा स्ट्रगल है जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया है, लेकिन यहाँ पर कुछ मिस्टीरियस चल रहा है, और जो भी ये मिस्टीरियस चीज़ें हो रही हैं इसके बारे में आपको अगले 3 महीनों में आपको पता चल जाएगा। आपके परिवार में कोई आपको यहाँ पर आपको धोखा दे रहा है, और अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है तो लास्ट मोमेंट पर डिसीजन आपके फेवर में नहीं आएगा। आप जिससे उम्मीद कर रहे हैं वो किसी और को, ये जो निर्णय है किसी और के फेवर में, ये अपॉर्चुनिटी, ये बिजनेस डील, ये पर्सन किसी और की लाइफ में चला जाएगा। तो यहाँ पर यही संदेश है जिन्होंने 6 नंबर सिलेक्ट किया है। और अगर आपको माता की मंत्रित पोटली चाहिए, क्योंकि आपकी जो सिचुएशन है, आपको अपने शत्रुओं से भी सुरक्षित होना है, आपके अपने जो धोखा दे रहे हैं उनसे भी अपने आप को सुरक्षित करना है, और कोई और पर्सन जो आपके अपनों के द्वारा आपके ऊपर काला जादू कर रहा है उससे भी अपने आप को बचाना है, तो आप माता की चमत्कारी मंत्रित पोटली ऑर्डर कीजिए। अपने आप को सुरक्षित कीजिए, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को, अपनी रिलेशनशिप को, जो भी आपके लाइफ में चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए आप माता की चमत्कारी मंत्रित पोटली अवश्य लीजिए। मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, एक पर्सनलाइज रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि पर्सनलाइज रीडिंग के बाद ही पोटली एडवाइस की जाती है। मुझे बहुत सारे डायरेक्ट ऑर्डर्स के मैसेजेस आते हैं, लेकिन डायरेक्ट ऑर्डर्स पर नहीं दी जाती है, क्योंकि ये माता की परमिशन से ही बनाई जाती है। जब आपकी रीडिंग होगी उसके बाद ही मैया की परमिशन से ही ये पोटली आपको एडवाइस की जाएगी, और फिर आप ये पोटली ऑर्डर कर सकते हैं। तो डायरेक्ट ऑर्डर्स पर पोटली नहीं दी जाती है। तो चलिए जानते हैं अब जिन्होंने नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनके लिए यहाँ पर अगले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अगले 3 महीने कैसे रहेंगे, द वर्ल्ड कार्ड आया है, कुछ ख़त्म होने वाला है यहाँ पर, या किसी ने की है तांत्रिक क्रिया। यहाँ पर हम देखें तो 4 ऑफ पेंटिकल्स है और साथ में 3 ऑफ कप्स है। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर आपको कुछ अच्छा हो सकता है ऐसा दिखा रहा है, लेकिन क्या सच में चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, आप सेलिब्रेट करने वाले हो? तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा आप अचीवमेंट आपकी लाइफ में हो सकती है अगले 3 महीनों में, जिसका ढिंढोरा आप पूरे शहर में, पूरे गांव में, पूरे जहाँ भी आप हैं कंट्री में फैला सकते हैं, या आप बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं अगले 3 महीने में। यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड है तो आप ट्रैवलिंग पे भी जा सकते हैं, कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है, थोड़ा सा आपको, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो उससे ज़रा बाहर निकलिए, क्योंकि देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स है। अगर आप इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए, एक बार मान लीजिए आप इससे बाहर निकल जाते हैं तो क्या होगा, वर्ल्ड कार्ड मतलब आप आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ जिस भी कंट्री में हो वहाँ से बाहर जा पाएंगे। और जब आप बाहर जाएंगे तो 3 ऑफ कप्स है, तो आपके लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और बाहर जब आप जाएंगे तो किसी ना किसी अच्छी जॉब के लिए, किसी बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ ऐसा होगा, तो ये सेलिब्रेशन का टाइम है। देख लेते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। अगले 3 महीने में आप ट्रैवल करेंगे, अब्रॉड जा सकते हैं और अपनी जगह से कहीं दूर जा सकते हैं घूमने के लिए, बिजनेस डील के लिए। और 4 ऑफ पेंटिकल्स है तो डेफिनेटली आपको कम्फर्ट जोन तो छोड़ना ही पड़ेगा, तभी आप आगे जा पाएंगे। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गई है सीधा। आप अगर आपके पास ये 4 पेंटिकल हैं और आप ये सोचें कि चलो मुझ पे तो बहुत है, मेरी इस जॉब से मैं इतना कमा रहा हूँ, इस बिजनेस से इतना कमा रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है विदेश जाने की, मुझे क्या ज़रूरत है और एफर्ट्स करने की, तो आप यकीन मानिए आप ऐसा मत सोचिए। क्योंकि जब आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे, इस कम्फर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, तो जो आप कमा रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा
आप कमा पाएंगे, सीधा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन जाएंगे आप। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अगले 3 महीने में कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और फिर सीधा आप यहाँ पर राजा या रानी बन जाएंगे। खजाना ही खजाना है आपकी किस्मत में यहाँ पर। इसके साथ ही हम देखें तो 3 ऑफ कप्स है जो सेलिब्रेशन को दिखा रहा है, तो कोई कामयाबी मिलेगी आपको इन 3 महीनों में। आप सक्सेसफुल रहेंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको फाइनेंशियल गेन है। और देख लेते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। 9 ऑफ सॉर्ड्स हमें मिला है। देखिए हेल्थ में कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। एक और कार्ड निकालते हैं, एस ऑफ सॉर्ड्स है। तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा परेशान करे, लेकिन आप क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, फायरी एनर्जी है और फिर सॉर्ड्स एनर्जी है, एयर एनर्जी, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपको विक्ट्री ही मिलेगी जितना आपको लोग परेशान करेंगे। क्योंकि जब हवा चलती है और अगर कहीं पर अग्नि है तो हवा उस अग्नि को और बढ़ा देती है। तो यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स में एयर एनर्जी में जो भी आपको परेशान कर रहे हैं एयर एनर्जी, उनके परेशान करने से आप यहाँ पर हार नहीं मानेंगे। क्योंकि आप अग्नि हैं, आप और ज़्यादा फैलेंगे, और ज़्यादा आपको लोग जानेंगे। तो आपके जो क्रिटिक्स हैं, जो आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं, वही लोग आपके लिए एक मोटिवेशन होंगे। और यहाँ पर आप एस ऑफ सॉर्ड्स यानी कि विक्ट्री, सीधा विक्ट्री आपकी होगी यहाँ पर अगले 3 महीनों में। 9 ऑफ कप्स है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और एक 9 ऑफ कप्स है, साथ में 5 ऑफ कप्स है। देखिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई एक पर्सन है ऐसा जो आपको धोखा दे सकता है, मतलब फाइनेंशियल लॉस हो सकता है इस पर्सन के कारण, जो आपको एक फेक ऑर्डर दे सकता है, आपको ऐसा कह सकता है कि हम ये बिज़नेस साथ में करते हैं। तो यहाँ पे अगर बिज़नेस पार्टनर आप बनाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि 9 ऑफ कप्स आ रहा है आपकी तरफ जो ठीक नहीं है। तो आप जब तक आप खुद चीज़ें करेंगे, हैंडल करेंगे तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने इस 9 ऑफ कप्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गए तो ये इसको इतना स्लो रहेगा आपके साथ कार्य करने में, इसकी वो स्पीड नहीं रहेगी। और फिर आप यहाँ सोचेंगे 5 ऑफ कप्स पे कि जैसा मैं पहले काम कर रहा था वही अच्छा था, मैं किंग ऑफ वॉन्ड्स था, मैं अच्छा काम कर रहा था, अच्छा कमा रहा था। ये 3 महीने के बाद ये सिचुएशन आ सकती है। तो यहाँ पर जब भी आप ये कार्ड देख रहे हैं उसके 3 महीने के जो 3rd मंथ का एंड होगा उस टाइम पे ऐसा आप सोच सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको ध्यान रखना है कि किसी भी ऐसे पर्सन को अपने टीम में आप ना रखें जो आगे चल के आपको रिग्रेट करना पड़े, आपको दुख हो कि इसके कारण मेरा जो कार्य है वो कम हो गया है। तो ऐसी यहाँ पर एनर्जीज हैं। ऐसा हो सकता है ये ऑलरेडी आपके साथ हो चुका हो, लेकिन आने वाले समय में आप अगर अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो रिपीट होगा। यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स है, ऐसा लगता है सही डिसीजन आपको लेना होगा। यहाँ देखिए 2 ऑफ सॉर्ड्स आया आपके लिए, तो निर्णय लेना होगा आपको। चलिए और जान लेते हैं कि क्या आपका शत्रु आपके अगेंस्ट षड्यंत्र रच रहा है। यहाँ पर हमें मिला है द एम्परर। डेफिनेटली कोई पर्सन है जो बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी में है और जो सोच चुका है कि उसे आगे क्या करना है। ये आपके कोई बड़े हो सकते हैं, कोई आपके सीनियर हो सकते हैं। और देख लेते हैं यहाँ पर हमें मिला है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको ये एम्परर इन्फ्लुएंस करेगा। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली हो और वो आपको ना दी जाए, क्योंकि किंग ऑफ कप्स को यहाँ पर एम्परर इन्फ्लुएंस कर सकता है। और 4 ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो ऐसा हो सकता है कि किंग ऑफ कप्स के इन्फ्लुएंस की वजह से कोई आपको कोई अपॉर्चुनिटी देता देता आपको, मान लीजिए वो अगर बहुत बड़ी डील देने वाला था तो आपको सिर्फ 4 ऑफ कप्स ही देगा, मतलब जो आप चाह रहे थे वो आपको ऑफर ही किंग ऑफ कप्स नहीं देगा। क्यों? क्योंकि कोई शत्रु है आपका एम्परर, कोई शत्रु है, जैसा कि मैंने कहा ये ऑलरेडी आपके अगेंस्ट एक प्लान बना चुका है। तो जो ये आपका शत्रु है एम्परर, ये डेफिनेटली आपके और ये जो प्रपोजल आपको मिलने वाला था इस किंग ऑफ कप्स से, इसके बीच में एक ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। और एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आपको 4 ऑफ कप्स मिलेंगे जिससे आप खुश नहीं होंगे, क्योंकि आप यहाँ पर कम से कम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको पेज ऑफ कप्स मिले, कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। अब यहाँ पर आती है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का क्या रोल है यहाँ पर? देखिए ये एम्परर तो आपका शत्रु है, यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी वो पर्सन है जो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने वाला था किंग ऑफ कप्स, लेकिन हुआ कि आपको 4 ऑफ कप्स मिले। इसका मेन कारण है एम्परर और ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कौन है? ये कोई लेडी है जो आप पर ब्लैक मैजिक कर रही है, एयर एनर्जी है, डेफिनेटली इसको तंत्र क्रिया आती है और वही ये आपके ऊपर कर रही है, आपके कार्यों को ब्लॉक कर रही है। तो यहाँ पर जान लेते हैं आगे चल के ये आपके लिए क्या प्रॉब्लम और कर सकती है। देखिए द सन कार्ड मिला है और उसके साथ ही
सेवन ऑफ वॉन्ड्स मिला है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स आपकी फैमिली को दिखाता है और यहाँ द सन कार्ड भी आपकी फैमिली की तरफ इशारा कर रहा है। तो आपके अगर बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, तो ये जो भी लेडी है ये कहीं ना कहीं आपकी फैमिली को भी टारगेट कर रही है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो इसकी वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, जो भी ये एनर्जी है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की। तो ना सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ पर भी असर कर रही है। एक फाइनल कार्ड निकालेंगे, जानेंगे ओवरऑल आपके लिए अगले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। यहाँ पर मिला है द फूल्स कार्ड। आपको सडन डिसीजन लेने से बचना है। यदि आपने सडन डिसीजन लिया तो पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। पेज ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर गलत लोग अगले 3 महीने में आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऐसे लोग जो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, जो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। ऐसा भी लग रहा है कि कोई प्रेत बाधा है, कोई प्रेतात्मा है जो लगातार आपका पीछा कर रही है अगले 3 महीनों में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनिशियली सब कुछ बहुत अच्छा आया था, लेकिन जब आपके फैमिली की बात हुई और जब आपकी बिजनेस डील की बात हुई तो यहाँ पर चीज़ें बदलती जा रही हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको ध्यान रखना होगा। जैसे ही आप किसी और पर्सन को इसमें इंटरफेयर कराएंगे अपने बिजनेस में, जैसे कोई और पर्सन आएगा तो उसके बाद आपके लिए समस्या हो सकती है। नहीं तो यहाँ पर सन है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और फिर यहाँ पर एम्परर है। आपका मेन जो सारा आपकी जो रीडिंग एकदम से जो चेंज हुई है वो इस एम्परर की वजह से चेंज हुई है। जैसा कि मैंने कहा, ये वो पर्सन है जिसको आपको अट्रैक्ट नहीं करना है, आपका शत्रु है और यही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कर रहा है। फिर चाहे ये प्रेतात्मा की एनर्जी हो, चाहे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी हो, जो एक लेडी है जिसे ब्लैक मैजिक आता है, ये सब जो लोग हैं आपके लाइफ में इस एम्परर के द्वारा इम्प्लांट किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको अलर्ट है इस एम्परर से, इस पर्सन से जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि यहाँ देखिए सन है, ठीक है, ये आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका परिवार है, आपका बिजनेस हो सकता है जो अच्छा चल रहा है अगले 3 महीने में। फिर क्या होता है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब आपको फाइनेंशियल अबंडेंस है जैसा कि मैंने कहा। लेकिन उसके बाद यहाँ देखिए एम्परर जो है, इसकी लगातार नज़र किसके ऊपर है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की नज़र आपके परिवार के ऊपर। अब यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के हाथ में एक पेंटिकल है, ये देखिए खजाना है जो आपके परिवार को ऑफर कर रही है। और ये क्या कर रहा है, ये एक, इसके पास एक, आप देख सकते हैं कुछ एक ऐसा बैग सा है, एक ऐसा बैग सा है जो बंद है। तो यहाँ इसमें कोई ना कोई ब्लैक मैजिक, कुछ ना कुछ ऐसी क्रिया, कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे कि जो आपकी तरफ फाइनेंसेस आ रहे हैं उन्हें ब्लॉक किया जा सके। तो ये यही चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो यहाँ पर ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना रेजोनेट करे। यहाँ पर आपको अगर पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखिएगा, मैया आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। अगर आपको माता की चमत्कारी मंदिर पोटली चाहिए इन शत्रुओं से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने घर में फाइनेंसेस अच्छे करने के लिए, काला जादू हटाने के लिए, अपनी शॉप, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, पर्सनलाइज रीडिंग बुक कराइए। मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं नीलम दुर्गा भवानी नाम से ही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको क्लैरिटी मिली होगी। जय माता दी, जय शिव जी भगवान। सावन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।